हेलो एवरीवन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वी वॉश के बारे में फुल डिटेल में कि ये क्या होता है इसे कब इस्तेमाल करना चाहिए इसको इस्तेमाल करने के बाद इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं ऑल ओवर सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ इस पर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी लेकिन उसके कॉमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए तो सभी क्वेश्चन के मैं आंसर भी देने वाली हूँ सबसे पहले हम बात करते हैं कि वी वॉश क्या होता है वी वॉश वुमेन्स के लिए एक इंटीमेट वॉश होता है जो कि आप वेजाइनल पार्ट को वॉश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं बहुत बार बहुत सी प्रॉब्लम होती है जिसके कारण हमारे वेजाइनल पार्ट में इन्फेक्शन हो जाता है या फिर किसी किसी को वाइट डिस्चार्ज होने लग जाता है या फिर आपको खुजली होती है ड्राइनेस आ जाती है जिसके कारण इरीटेशन होती है तब आप वी वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज ये बिल्कुल सेफ होता है हंड्रेड परसेंट बिकॉज इसके अंदर कोई पैराबेन पैराबैन कुछ भी ऐसे हार्मफुल केमिकल्स नहीं डाले जाते लेकिन वी वॉश का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आउटर साइड के लिए होता है बिल्कुल भी भी इंटरनल साइड के लिए नहीं होता तो, सो अब जब भी यूज करते हो तो बिल्कुल आपको केयरफुली यूज करना है कि ये इंटरनल पार्ट के अंदर बिल्कुल भी ना जाए अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में जिन लोगों को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है इट मीनस की उनको इन्फेक्शन हो गया है इंफेक्शन हो जाता है या फिर किसी किसी का वर्जाइनल पार्ट का पीएच बैलेंस अनमैनेज uh, हो जाता है या फिर uh, तो वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और क्योंकि जो वी वॉश होता है ये हमारे वेजाइनल पार्ट के पी बैलेंस को भी मेनटेन करके रखता है सेकेंड व्हाइट डिस्चार्ज होने के कारण बहुत ज्यादा खुजली होने लगती है बदबू आने लगती है तब भी आप वी वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आपको धीरे 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 रिजल्ट दिखने लगेंगे आपका जो इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा और आपका जो बदबू भी नहीं आएगी सेकंड आपका जो व्हाइट डिस्चार्ज है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा थर्ड पीरियड्स के दौरान जब आने वाली स्मेल होती है वो बहुत इरिटेटिंग होती है तब भी आप वी वॉश को इस्तेमाल कर सकते हैं फोर्थ जब आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस के कारण खुजली होने लग जाए तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलता है एंड ये आपके वेजाइनल पार्ट को बहुत ही अच्छे से क्लीन रखता है तो इसके बेनिफिट्स की तो बात हो गई अगर बात करें साइड इफ़ेक्ट्स की तो इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहूंगी मेरी एक गायना से बात हुई थी तो उनमें हमारी डिस्कशन हुई तो उन्होंने बोला कि वैसे तो जो हमारा वेजाइनल पार्ट होता है ना उसकी इतनी अच्छी क्लीनिंग मतलब इतने अलग से क्लीनिंग करने की कोई जरूरत नहीं होती लेकिन कुछ केसेस होते हैं लाइक like डिस्चार्ज जैसे मैंने आपको बताया इन्फेक्शन स्मेल आना पीरियड्स के दौरान तो तब तब केसेस में आप वी वॉश को इस्तेमाल कर सकते हो ये बहुत सारे आपको मार्केट में इंटीमेट वॉश मिल जाएंगे जिसपे भी आपको ट्रस्ट हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन स्पेशली जिन लोगों को, को कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वो फिट है हेल्दी है उनको वेजाइनल पार्ट में कोई खुजली नहीं है कोई स्मेल नहीं है कोई डिस्चार्ज नहीं है तो वो लोग अगर वी वॉश का इस्तेमाल करते हैं तो वो वो वन डे आफ्टर वन डे कर सकते हैं या वीक में टू टाइम कर सकते हैं और इतना ज्यादा यूज करना जरूरी नहीं है लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट्स है वो सिर्फ दो या तीन परसेंट ही देखे गए हैं वो भी उन लोगों के लिए जिनकी स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है या जिनको कोई और प्रॉब्लम्स चल रही होती है फिजिकली तो सिर्फ उन्हीं लोगों को इनके साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं अब बात करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस की कि सबसे पहले तो इसे यूज कैसे किया जाता है देखिए यूज करने का सिंपल सा तरीका है आप बॉडी वॉश यूज करते हो फेस वॉश यूज करते हो सेम वैसे ही वी वॉश यूज करना है बस वो आपके वेजाइनल पार्ट को इंटीमेट पार्ट को क्लीन करने के लिए होता है सबसे पहले आप अपने इंटीमेट पार्ट को अच्छे से गीला कर लीजिए पानी से नॉर्मल वाटर से थोड़ा सा आपको ये वी वॉश लेना है मतलब एक या दो ड्रॉप उसके बाद आपको हाथों पर अच्छे से लेदर बनानी है और आप अपने इंटीमेट पार्ट को क्लीन कर सकते हैं और उसके बाद अच्छे से उसको क्लीन वेब से वाइप से या किसी भी क्लीन क्लॉथ से क्लीन कर सकते हैं ड्राई कर सकते हैं एंड अगर बात करूँ कुछ क्वेश्चन जो मेरे पास आए हुए हैं कि क्या अनमेरिड लड़कियाँ भी इसे इस्तेमाल कर सकती है तो डेफिनेटली अनमेरिड लड़कियां भी इसे इस्तेमाल कर सकती है क्योंकि वी वॉश सिर्फ आउटर क्लीनिंग के लिए होता है सेकेंड क्वेश्चन ये था कि क्या हम 10 साल की बच्ची को इस्तेमाल करवा सकते हैं तो कोई भी कर सकता है लेकिन मैं इतना कहूंगी कि 10 साल या 10 साल से छोटे बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है डेफिनेटली खुजली हो रही है या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है बच्चे अपना यूरिन करने के बाद क्लीन नहीं करते हैं तो पहले तो मैं कहूंगी कि, कि आप इस्तेमाल कराने से पहले उसको देखिए दो तीन दिन अच्छे से क्लीन कीजिए पानी से जितनी बार भी बच्चा यूरिन पास कर रहा है तो आपको उसके बाद पानी से क्लीन करना है उसके बाद भी अगर उसे खुजली होती है तो अपने डॉक्टर से कंसर्न कीजिए क्योंकि ये वैसे तो यूज कर सकते हैं कोई इसके अंदर पैराबेन कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है लेकिन फिर भी छोटे बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम्स होना आ, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होनी चाहिए तो आप डॉक्टर से कंसर्न कर सकते हैं थर्ड क्वेश्चन ये था कि क्या प्रेगनेंसी में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं डेफिनेटली प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी के बाद प्री प्रेगनेंसी पोस्ट प्रेगनेंसी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन मेरे पास था कि क्या पीरियड्स के दौरान भी वी वॉश का इस्तेमाल किया जाता है डेफिनेटली पीरियड्स के दौरान भी इस्तेमाल किया जाता है इवन दैट की पीरियड्स के दौरान तो बहुत गंदी स्मेल आती है हर किसी के वेजेनियल पार्ट से फीमेल के तो डेफिनेटली की इसको इस्तेमाल जरूर करना चाहिए एंड जब आपका पीरियड्स खत्म हो जाए उसके बाद भी बहुत लोगों को इरिटेशन खुजली की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि तीन चार दिन वो पैड्स को यूज करना कोई भी सैनिटरी पैड को यूज करना उसके बाद खुजली डेफिनेटली होती है मतलब चांसेस रहते हैं तब तो आपको वी वॉश को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए दो से तीन दिन इस्तेमाल करने के बाद ही आपको ये प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाएगी तो जो लोग रेगुलर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं कोई ऐसा इशू नहीं है लेकिन अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो रेगुलर नहीं भी करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं डाला गया जो ये आपको हार्म करेगा बिकॉज इसके तो एक तो ये तो एक फर्स्ट ऑफ़ ये पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है सेकेंड इसके अंदर तो लेक्टिक एसिड है जो कि हमारी के गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज करता है जिसके कारण हमारा इन्फेक्शन खत्म हो जाता है स्मेल नहीं आती है और ऑल ओवर क्लीनिंग भी अच्छे से हो जाती है सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि वी वॉश का इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है क्या बेनिफिट्स हैं और क्या साइड इफेक्ट्स है सो so, अभी के लिए इतना ही था अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय टेक केयर